Hi guys. Okay. Okay, so hi everyone, how are you? And Mahavir Jayanti ki aapko bahut dhir sari shubhkamnaen. Aaj today we'll be starting doing a chat with Nitin Kalal. He's from Dungarpur, and Nitin is the author of The Man Who Pretends to Be Happy, Swapn Darshan, and Stay With Me. And many other books. He's a very good writer and a very good friend. He's also one of the writers that I have edited the book for, and he'll be joining us shortly. So Nitin is the writer of course, The Man Who Pretends to Be Happy, and today we'll be talking with Nitin regarding and what new is cooking in there. So let's let Nitin join us. Nitin? Okay. Hi Nitin. हाय, क्या हाल चाल? सॉरी, बस बढ़िया. आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है. और थैंकफुली आज लाइव सेशन में शक्ल भी अच्छी क्लियर आ रही है. लास्ट दो सेशन में तुमने भी नोटिस किया होगा, अखिलेश और संगीता दोनों ही केसेस में शक्ल थोड़ी सी वेवी वेवी हेजी हेजी आ रही थी. एक्चुअली जियो मेहरबान है हमारे गाँव पे. जियो मेहरबान रहना चाहिए, जियो की सर्विसेज अच्छी रहती है. और नितिन बताओ. और बस यहाँ आज आपसे गुफ्तगु करते हैं. ओके, सो नॉट टू यू नो कुछ ऐसे रिवील ना करने है, मतलब आज पता है ये मतलब लाइव सेशन ज्वाइन करने से पहले ना मैंने इतना सारा टाइम लिया ना तैयार होने के लिए. एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि किसी तरह से ना ममता आंटी मान जाए कि हाँ अच्छा है. नितिन को मैंने पहले ही बोल दिया था कि नितिन तुम्हें तो बहुत देर लगने वाली है, तो मुझे तो खैर 2 ही मिनट लगने वाले हैं, पर तुम तो 1-1.5 घंटा अच्छे से मेकअप वगैरह करने वाले हो, तो इसीलिए तुम पहले से ही तैयार हो जाना, लेट मत होना. नहीं करते ही नहीं, मैं हुआ भी नहीं लेट, मतलब आके 15 मिनट से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मतलब दीदार हो आपके. ओके चलो ये बताओ कि लॉकडाउन में कैसा चल रहा है. लॉकडाउन में ऐसा चल रहा है कि आजकल गेट खोलते हैं तो बाहर कोई ऐसा खड़ा होता है जो लट लेके खड़ा हो कि निकल तू बाहर मैं तुझे बताऊं. पर वैसे डूंगरपुर की साइड थोड़ा सा मैंने सुना है कि अभी भी लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं, उतना ज्यादा लॉकडाउन का असर नहीं है. नहीं आज भी मेरा गांव भी सील हो चुका है. अच्छा, हालत है बुरे हैं काफी चीजें, मतलब ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा मतलब पारदर्शिता से गवर्नमेंट भी नहीं बता रही यहाँ पे, मीडिया तो क्या ही कर. नहीं ये बात तो सही है, और वैसे भी जितना सेल्फ कंट्रोल हम रखेंगे उतना हमारे अपने लिए भी बेटर है और हमारी सोसाइटी के लिए भी बेटर है. बिल्कुल, मतलब वी कांट ब्लेम गवर्नमेंट अंटिल वी कांट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ. मतलब हमें ही अपनी नहीं पड़ी होगी तो हम कैसे दूसरों से एक्सपेक्ट कर ले कि वो हमारे लिए सोचे. एग्जैक्टली, बिल्कुल सर. अच्छा नितिन को अभी कुछ टाइम पहले ही कोरोना रह चुका है. सॉरी मुझे किसी की मेडिकल हिस्ट्री रिलीज नहीं करनी चाहिए, पर
आई थिंक नितिन तुमने कंफिडेंस क्या लेके सब किया खेल लिया और आपने। किस तरह क्या किया और किस तरह से क्या कोरोना को मैं अपने आप को और अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज किया जिससे कि कोरोना ने तुम्हें बाय बाय कह दिया, वो डेफिनेटली तुम्हें शेयर करना चाहिए। नहीं एक्चुअली सिर्फ गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो किया, अपने आप को बंद करके रखा था बिल्कुल बिस्तर से उठता तक नहीं था। उसके अलावा दवाइयाँ वगैरह प्रॉपर मेडिसिन जो चल रही थी, हाँ काफ़ी चीज़ों में ना मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह जाना एक अजीब सा, इवन मैं खुद मेडिकल साइंस से बिलोंग करता हूँ उसके बाद भी एक डर ना बैठ ही जाता है दिल में कुछ टाइम पे, मतलब आपको लगता है कि उसके आगे पता नहीं क्या होने वाला है, बट हो जाती है चीज़ें, एक डिजीज ही तो है खत्म हो जाती है। बस ये कहना चाहूंगा मतलब लोगों से कि डरे नहीं, एटलीस्ट कम से कम अगर कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो बिना किसी एक तरह के अपवाद के चक्कर में आए या अजीब सी बातें हो रही है ना जो कि मतलब मैंने इवन किसी कोरोना केस के दौरान सुना था कि कोई बोल रहा था कि अगर डॉक्टर बता देते हैं पॉजिटिव तो 1.5 लाख रुपया डॉक्टर के अकाउंट में आ रहा है, मतलब हद होती है, जहाँ गवर्नमेंट आंकड़े छुपाना चाहेगी वहां जबरदस्ती की क्यों दिखाएगी, है ना। तो बिल्कुल लोगों से मतलब ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह के भरम में ना आए, अजीब सी बातें होती रहती है और उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके एटलीस्ट ना अगर कोई सिम्टम्स दिखता है तो अपने आप को आइसोलेट करें दूसरों से और चेक करवाएं। बिल्कुल, क्योंकि जितना हम लोग प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करेंगे और सबसे ज्यादा हम जितना फियर मॉन्गरिंग करेंगे, हम लोगों में डर बढ़ाएंगे, मुझे लगता है उतना ही मुश्किल हो जाएगा इन सब चीजों को कंट्रोल करना। और वैसे भी इस वक्त बिल्कुल जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हेल्प करें। हम एक दूसरे के साथ में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम एक एक दिल से जुड़े रहने वाली बात है, हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं और वो बहुत नेसेसरी है, हाँ क्योंकि डर बहुत मतलब ना खतरनाक चीज होती है। मैं भी इन दिनों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, काफी चीजों के लिए करता हूँ, काफी मतलब मोदी सपोर्टर रहा उसके बाद भी काफ़ी चीज़ों के लिए मोदी पे भी लिखता हूँ आजकल। और हाँ हम गवर्नमेंट को कोस सकते हैं क्योंकि हमने चुना है उनको और अपने लिए ही चुना है, बट स्टिल ना जब तक हम अपनी केयर नहीं करेंगे वी कांट ब्लेम एनीबडी एल्स। ट्रू, बिल्कुल। जैसे तुमने अभी पीछे कुछ दिन पहले तुमने पोएम लिखी थी मोदी जी से सवाल पूछते हुए, कल 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 पोएम लिखी थी, तो मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। और इस टाइम पे कहीं ना कहीं हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जहाँ रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और उसके बावजूद हम जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारी पॉपुलेशन उससे कहीं ज्यादा है। अगर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है तो वो उतना ही दे सकती है जितना कि मतलब वो लैंड दे सकती है, हम उससे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एकदम तिगना चौगुना यील्ड नहीं ले सकते वहां से, तो वो हाँ शायद मतलब हमें एजुकेटेड होने का भी प्रूफ देना है प्रॉब्लम में, सपोर्ट करना है भले वो किसी की भी सरकार, मैं मतलब हमारे स्टेट में कांग्रेस है भले और सेंटर में बीजेपी है, मैं दोनों ही सरकारों के लिए कह रहा हूँ, मतलब कि हमें सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को और फॉलो करना है उनकी गाइडलाइन को, मतलब कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके टाइम पे इतने बुरे हालात हो। सही बात है। नहीं, भगवान करे कि कोरोना जल्दी बाय बाय करे, इंडिया को ही नहीं वर्ल्ड को ही बाय बाय करे, ताकि लाइफ वापस नॉर्मल पे आ जाए। ये जो न्यू नॉर्मल है ना, ये उतना नॉर्मल फील होता नहीं है जितना सब लोग कहते हैं कि हाँ ये नया नॉर्मल है हमारा, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, हाँ जितना मैं तो पानी उस यूज बंदे करते हैं का वेट उतना हम कर रहा हूँ, सैनिटाइजर यूज करते हैं। नहीं मैं तो उस बंदे का वेट कर रहा हूँ जो 2020 में बड़ा कह रहा था कि 2021 कब आ रहा है कमबख्त, मेरे को पूरे 2020 में कभी कोरोना नहीं हुआ। और तो और जब तक लोग नॉर्मल, मतलब जब तक नॉर्मल चल रहा था ना मार्च तक सब सही था, लोगों ने कोरोना और इसकी लॉकडाउन की एनिवर्सरीज बनाने शुरू किए, उसके बाद से सब बिगड़ता जा हाँ रहा है एक के बाद एक। मतलब कौन वो पहला शख्स था जिसने कि हैप्पी बर्थडे को अपना लिखा था। वो भी सोच रहा होगा वैसे सीरियसली, थैंक गॉड कि उसका पहचाना जाना इम्पॉसिबल है, नहीं तो डेफिनेटली बहुत गालियां पड़ती थी। वैसे सरकारों ओके को हमारा नहीं ये लाइव देखना चाहिए, मैं भी थोड़ा सा चेंज आ जाए।
हम बड़े आज डिस्कस कर रहे पता नहीं, आई होप कि कुछ नहीं तो लोगों को मतलब थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ सीखने को मिला या कुछ जानने को मिला या एक इंस्पिरेशन, एक होप कि ठीक है बस, लाइक मतलब बीइंग अ मैन, मतलब मैं खुद पेशेंट रह चुका हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि डर को छोड़ो, मतलब अगर कोई सिम्टम्स नजर आता है तो एटलीस्ट चेक करवा लो और प्लीज फॉलो करो गाइडलाइन। बस ओके चलो, कोरोना के बारे में बहुत बात हो गई। मुझे मैं तुम्हें 2017 एंड से जानती हूँ, जब तुम स्टे विद मी के लिए अपनी बुक के लिए पूरा स्टार्ट कर रहे थे, लाइक तुमने हाँ, स्टे और विद मी कंप्लीट कर लिया था। वहां पे एक ऐसे बंदे को, वहां पे लिपि आई थी एक ऐसे बंदे को सपोर्ट करने के लिए जो नॉन फैम है, और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर अजय के पांडे ने जब उनसे पूछा लिपि से कि आर यू हियर फॉर मी, एंड शी सेड नो आई एम हियर फॉर नितिन। रहेगा, अजय के पांडे जी ने मुझसे बोला था कि आप यहाँ मेरे लिए आई हैं या नितिन के लिए आई हैं। मैं कहा नहीं, मैं यहाँ नितिन के लिए आई हूँ। मैंने सीरियसली आज मैं रिग्रेट करती हूँ, ना मैंने फोटो खिंचवाई ना मैंने बात की, और क्योंकि मुझे बस उस वक्त स्टे विद मी का ही लग रहा था कि हाँ स्टे विद मी का इनॉग्रेशन हो रहा है तो अभी यहाँ ध्यान देना चाहिए, और उसमें सारा कुछ वो हो गया। लेकिन देखो मैं कितनी लॉयल फ्रेंड हूँ उस मामले में, पर बिल्कुल, बहुत लॉयल। हाँ, बस डेफिनेटली अजय सर बोल ले वो सदमा। अच्छा स्टे विद मी के बाद, स्टे विद मी रिलीज होने के बाद करीब सवा साल बाद, 1.25 years लेटर, मई में फर्स्ट टाइम द मैन हू प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी का फर्स्ट एडिशन आया था। हाँ, मई, हाँ मई नहीं, जून, जून में यहाँ मैं 24 एक को चीज किया। बोलना चाहती हूँ कि द मैन हू प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी मैंने एडिट की है, और द मैन हू बिल्कुल, द और मैन मैं इसके साथ में अपने थोड़ी तारीफ करवा लूँ कि लिपि ने उस टाइम पे शायद 5 बुक्स एडिट की थी, और सात बोला हाँ हुआ है लिपि ने मुझसे, हाँ उसमें लिपि ने मुझसे बोला हुआ है कि मैं तुम्हारी बुक को टॉप रैंकिंग देती हूँ, नंबर 1 पे रखती हूँ, बोला हुआ है ट्रू ना। ट्रू। उस टाइम पे हाँ, जो तुम्हारे पब्लिशर थे उनका भी मेरे पास फोन आया था, तो मैंने उनसे कहा था कि इस बुक पे स्पेशल नजर रखिएगा क्योंकि ये बुक काफी अच्छी है, और आजकल मतलब जितनी मैंने अभी तक बुक्स पढ़ी हैं जो मैं एडिट कर रही हूँ उनमें काफी अच्छी है और काफी पोटेंशियल रखती है। तो डेफिनेटली द मैन हू प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी की स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ये डॉक्टर अच्छे के बारे तरीके। में है जो कि खुद डिप्रेशन का शिकार है, हाँ एक डॉक्टर जो खुद नहीं डिप्रेशन मतलब का क्या है ना, शिकार है। ये बोल देना चाहिए कुछ डॉक्टर झूठ चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं 2-4 जो लिस्ट में मेरे, वो भी झूठ रहे हैं, तो उनको आइडिया लगेगा कि हाँ उनको भी पढ़नी है, तो ये बता दो कि ये एक ऐसे डॉक्टर की स्टोरी है जो खुद डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल, ये एक ऐसे डॉक्टर की स्टोरी है जो खुद डिप्रेशन का शिकार है, जो डॉक्टर नहीं रहना चाहते ना बनना चाहते थे, लेकिन वो डॉक्टर बने क्योंकि उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स की बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी। वो अपने फादर के लिए डॉक्टर बनना चाहते थे क्योंकि डॉक्टर बनना उनके फादर की एक एक ड्रीम था, उनका डॉक्टर बनना, डॉक्टर विवान का। और लेकिन एक डॉक्टर मोमेंट पे बन फादर भी शायद चाहते हैं कि एक मोमेंट पे शायद फादर भी चाहते हैं कि ना बने, क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका होता है उनके साथ जो कि शायद फादर को तोड़ देता है। वही डॉक्टर बनते बनते उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि डॉक्टर बनना और एज अ डॉक्टर सर्व करना उनके फादर के ड्रीम की जगह एक नाइटमेयर हो जाता है उनके फादर के लिए। वो सडनली नहीं चाहते कि आगे वो एज अ डॉक्टर सर्व करे, लेकिन अब क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका दर्द कहीं कम हो जाए, कहीं जो उन्होंने किया है वो उसका उसकी भरपाई कर सके, उसे कॉम्पेंसेट कर सके सोसाइटी को और लाइफ में, तो इसलिए वो डॉक्टर बनते हैं और आगे अपने आप को एज ए डॉक्टर एस्टेब्लिश करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। हाउएवर उनके दिमाग में एक मोनोलॉग चलता रहता है कि एज ए डॉक्टर उन्हें काफी सारी चीजें सी फेस करनी पड़ती हैं जो पेशेंट्स नहीं समझते हैं, लेकिन उनका ये मोनोलॉग, उनकी ये डिप्रेशन, उनकी ये कहानी के बावजूद वो एक अच्छे डॉक्टर है
और उनकी स्टोरी इसी बारे में है कि उन्होंने ऐसा क्या किया, फेस किया और क्या किया जिसकी वजह से उनके फादर का एक ड्रीम जो है वो एक नाइटमेयर में बदल गया। और ये हम नहीं बताने वाले, उसके लिए आपको जाके बुक खरीदना है, पढ़ना है। डेफिनेटली द मैन हू प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी दिल्ली के काफी स्टोर्स पे भी अवेलेबल है और अवेलेबल है अमेजोन पे। तो बिल्कुल मैं भी डूंगरपुर कहूंगी के भी नेशनल स्टोर पे अवेलेबल डूंगरपुर में भी अवेलेबल है। इसके लिए एक्चुअली नितिन को काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं एंड काफी अच्छी प्रेजेस मिली हैं बुक के लिए और बुक को काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। तो डेफिनेटली जाके पढ़िए, उसे ऑर्डर कीजिए, उसे पढ़िए क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल बुक और इट्स अ बुक जो आप स्टार्टिंग में पहचान नहीं पाएंगे कि उसमें आगे क्या होने वाला है और ये एक मिस्ट्री की तरह चलती रहेगी। इट्स अ साइकोलॉजिकल मिस्ट्री, तो ये एक मिस्ट्री की तरह चलती रहेगी और आप कभी भी गेस नहीं कर पाएंगे, काफी अंत तक गेस नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली स्टोरी में क्या हो रहा है। लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, डेफिनेटली पढ़िए उसे एंड नितिन को सराइए और मेरी एडिटिंग को सराइए। तो ऑन दैट नोट नितिन, द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी है अभी आपके पास अ कॉपी? जी बिल्कुल है ना, हमारे पास द मैन हू प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी का जो नया एडिशन है उसकी कॉपी है, मैं बुक यहाँ स्टोर्स पे पे अवेलेबल है। एक वो स्पेशल वो करूंगी, ये एडिशन कवर का एडिशन मेरा खुद का पसंद किया गया है, मुझे ये पिक्चर अच्छा, हमने तो कुछ भी नहीं बोला था उसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ लिपि ने ही पसंद किया था। ओके नितिन, इसमें तुम्हारा कोई बहुत स्पेशल बहुत फेवरेट पैराग्राफ या कोई कोट या कोई ऐसा प्रसंग हो जो कि पढ़ के आप अपनी आवाज से सुनाना चाहें? हाँ बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लाइन है वो बताऊंगा कि लाइफ इज मोर कॉम्प्लेक्स देन बुक्स, इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड मूवीज ऑल पुट टुगेदर। यू कैन नेवर गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट, व्हिच वी यूजुअली डू इन मूवीज एंड स्टोरीज। इसके ऊपर कैसे आई दिमाग में ये लाइन? इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन, कैसे आई ये लाइन दिमाग में? एक्चुअली ना, काफी चीजें हम देखते हैं जो मतलब जिन्हें देख के हम सोचते हैं कि शायद ना, लाइक गुजारिश देखिए, गुजारिश में ना जैसे पेशेंट होते हैं ना, पेशेंट काफी बार ना तकलीफों को इतना सहन करके ना उसके बाद थक चुके होते हैं कि दे वांट टू डाई। मतलब कि बहुत सह लिया लाइफ में और इससे बेहतर है कि अब मौत आ जाए। बॉस मूवी का डायलॉग है ना कि मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, असली तकलीफ को जिंदगी देती है। तो मतलब जिनके लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है जिंदगी, लेकिन जो तकलीफों से गुजर रहे हैं, मतलब जिनके लिए कि हर मोमेंट शाम का खाना तक काफी लोगों के लिए मुश्किल होता है। हम देखते हैं काफी लोगों के सिर पे छत तक नहीं होती है, जिंदगी सारी सड़कों पे गुजर जाती है। तो ऐसे लोगों को देख कर ना फिर लगता है कि हाँ सच में आप जिंदगी को ना गैस नहीं कर सकते कि क्या होगा, सच मतलब बात, कैसे चलेगी आगे। सच बात है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, बिल्कुल सच बात है। नितिन इज ऑल्सो द एडिटर ऑफ मानवत। मानवत गली राइटर्स की सबसे पहली एंथोलॉजी थी जिसकी संरचना मैंने की थी और नितिन उसके संपादक थे। देखो हिंदी में कितनी अच्छी यूज कर रही हूँ, उसके संपादक नितिन थे और नितिन ने बहुत मन से वो किताब एडिट की थी। नितिन, मानवत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मानवत, मानवत वो बुक है ना जिसके लिए कि रिसर्च करते करते हम शायद 10th सेंचुरी में चले गए थे, रिमेम्बर? हाँ हाँ बिल्कुल, उसके नाम के लिए रिसर्च करते हुए। उसके नाम के लिए, उसके नाम के लिए एक्चुअली ना हमने बहुत रिसर्च की थी। मतलब ऑल ऑफ सडन बुक शायद प्रिंट में चली गई थी और प्रिंट हो रही थी और अचानक से ना नाम पे सवाल उठने लगे थे कि मानवत का मीनिंग क्या होता है, मानवत का मीनिंग क्या होता है, गलत वर्ड है ये वो। और फिर हम ना कुछ भी अजीब सा उस टाइम पे हम लोग सोचने भी लगे थे ना कि हाँ हम क्या क्या मतलब लॉयर लॉयर बन गए थे हम अचानक से।
कि हाँ, हम ये हम बोल रहे लॉयर थे, वो बन बोल गए रहे थे, हम रिसर्चर बन गए थे, हम हिस्टोरियन बन गए थे, हम थे। हाँ माइथोलॉजिस्ट बन गए थे, क्योंकि टेंथ यस सेंचुरी के और किसी क्या। माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट में घुस के नाम का मतलब ढूंढ के लाना, और वो भी ऐसा नाम जो कहीं नहीं, हाँ और अगर सच में वो नाम का मतलब बदला हुआ निकलता तो हमारी किताब की पूरी मायने बदल जाते। बिल्कुल, हम मतलब उस टाइम पे एक डू एंड डाई वाली कंडीशन पे आ चुके थे, या तो हमें पूरा अपने से ही वापस से सारा वो करना था, या फिर कोई बहाना देना था झूठे बन के और बुक को निकालना ही था। तो सच में लेकिन उस सारे इंसिडेंट्स में दिनेश पंजाल सर ने काफी हेल्प की। बिल्कुल मैं सच में उनको थैंक्स कहना चाहूंगा, वो शायद लाइव में तो नहीं है लेकिन दिनेश सर के, करते हुए हम अच्छा लोगों फील। को समझाने के बाद दिनेश सर के, और जब तुमने मुझे कांटेक्ट दिया था तो उसके बाद मैंने दिनेश सर को मैसेज किया, उनका मुश्किल से आधे घंटे में रिप्लाई भी आ गया, एंड देन मेरा उनसे बात भी हुई तो उन्होंने मुझे अच्छे से डिटेल में समझाया, बताया कि मानवता का क्या मतलब होता है, और उन्होंने कहा कि अगर ये एक पोएट्री एंथोलॉजी है और अगर आपने हलंत लगाया है तो आपकी बुक का वो बिल्कुल सही है। तो उसके लिए सीरियसली दिनेश सर को थैंक यू सो मच, उन्होंने एंड टाइम पे आके हमें, मतलब एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन से हमें एक वो दिया, ताकि हम लोग अपनी किताब पे किसी तरह का शक व शुबा ना करें, और प्लस ऑफ कोर्स इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे तो हम नहीं चाहते थे कि किसी का भी, मतलब किसी को भी ऐसे फील हो हाँ कि किसी हाँ का एंड में हम कुछ गलत से जुड़ गए या ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो नहीं सीरियसली मैं इस बारे में तो एज अ पब्लिशर एज अ एडिटर लिपि की बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि बंदी मेहनती है, और ऐसा बोलने का उसने पैसा दिया है वो अलग बात है, नहीं नहीं लेकिन मैंने हाँ बिल्कुल मेहनत करने पैसे नहीं का बहुत दिए हैं तारीफ करना लॉकडाउन में, चाहूँगा। मैं किसी को पैसे नहीं दे रही हूँ, मैं दूध वाले भैया को भी कह चुका है कि लॉकडाउन के बाद लेना, उस पहले मत लेना भैया, क्योंकि लॉकडाउन में मैं किसी को पैसे नहीं दूंगी, बहुत मुश्किल है लॉकडाउन में पैसे देना किसी को भी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो नितिन ने जो पहले तारीफ की थी वो सारी सच थी। मेरा और लिपि का एक्चुअली ना द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी के साथ ना अभी एक खास रिश्ता है मेरे लिए, मेरी बुक बच्चे की तरह, और लिपि आपके लिए हम कभी और बात करेंगे। तो बुआ बुआ बुक की नहीं बुआ बिल्कुल बुआ तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नहीं, लेकिन द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी को शुरुआत में शुरुआत के 7 या 8 चैप्टर्स पहले भेजे थे, एंड यू वर फाइनलाइजिंग, उसके बाद मुझे उसके नेक्स्ट बाद क्या मैं ना उसके बाद लिपि ने जब 5 या 10 चैप्टर पढ़ लिए थे, उसके बाद लिपि के हर शाम को मुझे कॉल आते थे, तुम मुझे कल भेज रहे हो 5 चैप्टर, हो तुम मुझे कल भेज रहे हो, मतलब तो बहुत लिपि ज्यादा, बेसब्र मैं होती तो थी। नितिन हाँ से कहती थी कि 2 ही हुए तो 2 ही भेज दो, आगे पढ़ने को तो मिलेगी, क्या हो रहा है, मुझे बीच में अटका दिया, इतनी अच्छी किताब है और मुझे बीच में ही छोड़ दिया है, इतनी ब्यूटीफुल बुक है मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी। और जनरली इंडिया में साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स वेब सीरीज वगैरह में बहुत लिखे जाते हैं, लेकिन बुक्स मैंने कम पढ़ी है। हाँ, पहले टाइम पे नॉवेल्स आया करते थे हिंदी में, वो थे, लेकिन इंग्लिश में मैंने कम ही राइटर्स देखे हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स या किसी भी तरह के थ्रिलर्स लिखते हैं इंडिया में, बहुत कॉमनली, तो उस हिसाब से मैन हू प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मानवत बिल्कुल की, तो नितिन तुमने एक बहुत खूबसूरत पोएम लिखी है मानवत में, मैं चाहती हूँ कि तुम वो पढ़ के सुनाओ। हाँ बिल्कुल। मानवत एक्चुअली मानवत का मतलब ही मानवता से, और मानवत का फुल टाइटल ही है मूर्त से मानव तक, मतलब आप एक मूरत हैं उससे इंसानियत की तरफ को उठते हैं। तो उसमें मेरी एक कविता है, तुम खुद में खुद को मारे बैठे, जब मन की व्यथा आंसुओं में बह नहीं पाती है, जब अपनी ही कहानी जुबा बोल नहीं पाती है, जब मन की व्यथा आंसुओं में बह नहीं पाती है, जब अपनी ही कहानी जुबा बोल नहीं पाती है, जब दुनिया का सारा दर्द अपना लगता है और मुस्कुराता हुआ बचपन सपना लगता है, तुम खुद में खुद को मारे बैठे, यकीनन
कोई पाप मन में पाले बैठे। जब हल्की आहट पर भी मन विचलित हो जाए, जब हल्की आहट पर भी मन विचलित हो जाए, जब बात बेबात भी विचार भ्रमित हो जाए, जब आत्मचिंतन भी चिंतित करने लगता है और सत्य पथ पर बढ़ना अनुचित लगता है, तुम खुद में खुद को मारे बैठे, यकीनन कोई पाप मन में पाले बैठे हो। जब ईश्वर की मौजूदगी का एहसास डराता है, जब ईश्वर की मौजूदगी का एहसास डराता है, जब आईना कर्मों का प्रतिबिंब दिखलाता है, जब सांसों का बोझ भारी लगता है और जीवन जीना बेईमानी लगता है, तुम खुद में खुद को मारे बैठे हो, यकीनन कोई पाप मन में पाले बैठे। बहुत हो गया खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हो गया। पार्ट नहीं था ना कि पोएम का? नहीं नहीं, मुझे ये पोएम बहुत पसंद है। मानवत में ये पोएम है और ये बहुत प्यारी पोएम है। तुम्हारी दूसरी पोएम भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तुमसे नहीं कहूंगी वो भी पढ़ने की, नहीं तो फिर दोनों यही रिवील हो जाएंगे। हाँ बाकी दो चार लोग जो यहाँ पे हैं वो भागते हैं, परेशान होते हैं। उन्हें नितिन की पोएम पहले से ही पता चल जाएगी, तो इसीलिए मानवत ही, मानवत अवेलेबल है अमेजोन पे, और आप अमेजोन से उसे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे फेसबुक पेज से उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और मानवत बहुत खूबसूरत बुक है, तो डेफिनेटली ऑर्डर कीजिएगा। नितिन, तुम्हारे चश्मे से तुम बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप लग रहे हो, ऐसे एकदम ऑथर लग रहे हो, हाँ ना, मैं मतलब ऐसा ना सिंसियर था, मासूम था बच्चा। है ना? मैं भी सोच रही हूँ एक चश्मा बनवा लेती हूँ, ऐसे ऑथर वाली फीलिंग आने लग जाएगी। फीलिंग आती है अपने ना भाई, चीज चाहिए। मैंने ना मतलब ऐसे जरूरी टाइप तो है नहीं, लेकिन लग जाए ना तो ऐसा लगता है कि हाँ बंदा सच में पढ़ाकू टाइप का है, मेहनत कर रहा है बड़ी। नहीं, डेफिनेटली तुम्हारी बुक स्टे विद मी, तुम्हारी सबसे पहली बुक थी फ्लाइंग, आई विश आई कुड फ्लाई। आई विश आई कुड फ्लाई मैंने पढ़ी नहीं है, मैं सच बोलूंगी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत मन है। जितना मैंने उसके बारे में सुना है और जिस तरह से तुमने मुझे कहानी डिस्पाइन की है, मैं डेफिनेटली आई विश आई कुड फ्लाई पढ़ना चाहूंगी। नहीं, नितिन, मैं एक्चुअली ये चाहूंगा कि वो अभी तक, अभी कुछ टाइम के लिए लोग ऑर्डर ना करें, वो जल्दी ही गली राइटर से आने को है, और जब वो गली राइटर से आएगी उसके बाद लोग झपट पड़े, उसके बाद बिल्कुल वेट ना करें। डेफिनेटली लिपि बिल्कुल आपको कोई ले जाने का तैयार बैठा? नहीं, मुझे कोई नहीं ले जा रहा। अर्पित इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो हमेशा ऐसे ही उल्टी सीधी बकबक करता रहता है। मुझे आई विश आई कुड फ्लाई से, आई थिंक तुमने वो तब लिखी थी जब तुम 20 इयर्स के थे, राइट? हाँ, और बेस्ट पार्ट उसका ये है ना कि वो मैंने सिर्फ एक महीने में लिखी हुई कहानी, मतलब कि मेरे एग्ज़ाम होने थे, मैं नर्सिंग किया हुआ, जनरल नर्सिंग किया ना, और एग्ज़ाम से फिर 1 मंथ पहले मैं बीमार होके बहुत बुरा वाला घर आया हुआ था, और बिस्तर में कोई और काम तो होता नहीं था, तो मैं मोबाइल में कहानी लिख रहा होता था, और 1 महीने में मैंने उसको कम्प्लीट किया। आई विश आई कुड फ्लाई नितिन की सबसे पहली बुक थी, और उससे पहले नितिन हमेशा हिंदी में ही लिखते थे, राइट? तो तुम्हारा ये जो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांजिशन है नितिन, उसके बारे में कुछ पता? एक्चुअली पार्टिस्ट पब्लिशिंग से मुझे कॉल आया था, आई विश आई कुड फ्लाई के लिए, दे वांट टू पब्लिश इट। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि उनको कहानी सिर्फ इंग्लिश में चाहिए होगी, तो बंदा और क्या करता, मरता क्या न करता, राइटर तो बनना ही था। फिर तुमने फिर इंग्लिश किस तरह से फिर चेंज किया सारा का सारा उसमें? मैं काफ़ी टीचर्स वगैरह से मिला, सब यही कह रहे थे कि मतलब उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है कि उसको ट्रांसलेट करें, फिर गूगल बाबा किया, लेकिन गूगल बाबा ने उसको उतना बेहतर नहीं किया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी हमारी मतलब हाँ हो गया, मैं पब्लिश ऑथर हो गया, और मैं ना बिल्कुल सच एक्सेप्ट करने में ना बहुत
बहुत जेन्युइन हूँ। मतलब हरिश्चंद्र जी चले गए, उसके बाद अगर कोई बचा है तो वो मैं ही। और मैं ना बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ वो बहुत बुरी है अभी ग्रामेटिकली, तो हाँ है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको। लेकिन बहुत जल्दी वो गली राइटर्स से आएगी, और हमारी एडिटर जो है वो आप लोगों के सामने है, तो डेफिनेटली यहाँ है। थैंक और शी इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश। यू वेरी मच। तो हाँ, ये बोलने का भी फैसला दिया था। राम, इतने पैसे तो मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता। मतलब सीरियसली कि मैं लोगों को बस इतने 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 से डायलॉग बोलने के लिए भी पैसे दे सकती तो मुझे बहुत खुशी होती, पर दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। बिल्कुल, मतलब ना मैं फीलिंग ले रहा हूँ कि मेरे को आजकल हर चीज के लिए पैसा मिलने लगा, इवन बोलने के लिए भी। सही बात, ये भी एक फीलिंग है। वही ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। अच्छा अच्छा नितिन, सॉरी, द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, क्या द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी की किताब के कवर्स में कंप्लीट है? हाँ, मतलब आप कवर देख के ना काफी हद तक गेस कर सकते हो उस स्पेशल सीन को जो कि इस कहानी की जान है। और क्या इस कहानी में अब कुछ है जो तुम बताना चाहोगे आगे अपने रीडर्स को? एक्चुअली स्टोरी जिन जिन लोगों ने भी पढ़ी है वो लोग ना इस कहानी का सीक्वल चाहते हैं अब तक। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो अमेजोन पे देख सकते हैं, काफी लोगों ने उसमें लिखा हुआ भी है कि वो सीक्वल पढ़ना चाहें। अब तक जो भी लिखा है वो सिर्फ अपने लिए लिखा है, मैंने अपनी खुशी के लिए, अपने विचारों को। ये फर्स्ट टाइम है जब उन लोगों ने जिन्होंने की डिमांड की है, और क्योंकि वो लोग अब तक मेरे सपोर्ट में रहे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ा है, तो सिंग राइटर उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। पहली बार उनके लिए लिखने जा रहा हूँ, द मैन प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी का सीक्वल, नथिंग लाइक द हैप्पी एंड। नथिंग, तो मतलब आज मेरे साथ इस लाइव चैट में नितिन इज रिवीलिंग द नेम ऑफ हिज नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक बिल्कुल, एंड द नेक्स्ट नेम इज बुक नेम इज नथिंग लाइक द हैप्पी एंड। इस यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। नितिन को हैप्पी एंडिंग किताबों से बहुत एलर्जी है। नितिन को सैड एंडिंग बहुत अच्छी लगती है जिसमें कि रीडर रोए, परेशान हो, 2 दिन तक सोचे कि बेचारा इतना, मतलब 200 पन्नों तक खींच रहा था, 200 पन्नों तक बेचारा जी रहा था, कहीं ना कुछ उसके सुधारने के चांसेस थे, उसकी लाइफ में बेटर होना चाहिए था, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। एंड देन लास्ट में जाके नितिन, अगर वो लाइफ में बेटर हो जाए तो नितिन को बहुत बुरा लगता है। तो नितिन उस बिल्कुल क्या नथिंग लाइक हैप्पी एंडिंग, नितिन लाइक्स ओनली सैड एंडिंग टू द बुक, है ना नितिन? बिल्कुल नहीं, दिस टाइम इट मे बी हैप्पी एंडिंग और मे बी नॉट, आई विल नॉट टर्न। वे डॉक्टर विवान्स कैरेक्टर हैज बीन डेवलप्ड इन द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, एंड देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट हैप्पी एंडिंग फॉर डॉक्टर विवान्स। बट डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम वेटिंग। सबसे पहले तो मेरी टेबल पे आएगी, ऑफ कोर्स आपकी टेबल्स पे बाद में आएगी, लेकिन आई एम वेटिंग द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी के इस सीक्वल को कंपैरेटिवली हैप्पी एंडिंग मिल जाए, बिकॉज आई वुडन्ट वॉन्ट कि डॉक्टर विवान की लाइफ में अब और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। एक्चुअली लिपि को डॉक्टर विवान से प्यार हो चुका है, अम्मा उसने आंटी को बोला भी था कि मेरी लाइफ में अगर कोई हो तो वो डॉक्टर विवान जैसा हो, नहीं, है ना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है। डॉक्टर विवान के साथ बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर शेफाली जो कि तुमने गढ़ा है वो है, और एक लाइन में जागृति भी कैरेक्टर थी। तो अब वो कौन सा कैरेक्टर है जो डॉक्टर विवान को हैप्पी एंडिंग बनाने में हेल्प करने वाला है, वो तो हमें दूसरी बुक में ही पता इस चलेगा। बार ना, इस बार मैं इतना बता दूं कि कहानी को ना आप डॉक्टर विवान के नजरिए से देखते हैं, जैसा कि द मैन हू प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी में अब तक आप कहानी को डॉक्टर विवान की साइड से पढ़ रहे थे, तो
लेकिन अब आप इस कहानी को शिफाली की साइड से पढ़ेंगे। शिफाली इस कहानी का वो कैरेक्टर है जिसको कि मतलब जो बंदा डॉक्टर विवान था, जिसे कि हम बोल सकते हैं द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, वो एक तरह से द वुमन हु प्रिटेंड टू बी हैप्पी टाइप बना कर चला गया वेरी है। ट्रू, वेरी ट्रू. प्रिटेंड्स और नॉन प्रिटेंड्स, बट अनहैप्पी वुमेन बना के चला गया है. ट्रू. तो हाउ शी डील विद ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड जैसे क्या चेंजेस सब आते हैं। तो इसी के साथ नितिन, बेस्ट ऑफ लक हमारी नेक्स्ट बुक के लिए, सीक्वल के लिए, जो कि मेरे जैसे और दूसरे रीडर्स के लिए तुम लिख रहे हो. वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं डेफिनेटली चाहती थी कि डॉक्टर विवान के कैरेक्टर को यहाँ ना छोड़ा जाए और शेफाली के कैरेक्टर को भी ना छोड़ा हाँ जाए, इससे पहले कि तुम मुझे डॉक्टर बिल्कुल, विवान के नाम से सबसे और ज्यादा ज्यादा अगर उतरे मुझे हो. किसी ने फोर्स किया, सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी ने फोर्स किया है कि नहीं ये विवान के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, तो लिपि ही है जिसने कि इस निर्दयी लेखक के मन में थोड़ी सी दया जगा दी। तो एक्चुअली में, क्योंकि मुझे जहां तक आइडिया है, नथिंग लाइक दी हैप्पी एंडिंग वॉज सपोज टू नॉट बी विद विवान एंड शेफाली. वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट बुक होने वाली थी, जो कि नितिन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना बना के उसको चेंज करके सीक्वल हाँ, ये एक्चुअल में ना में डाला गया है. एक डिफरेंट बुक होने वाली थी। मैंने सोचा हुआ था कि ये अलग के बारे में होगी, लेकिन यहाँ पर ये पूरा क्रेडिट जाता है लिपि को, जिसने कि परेशान कर करके मुझे सीक्वल लिखने पे मजबूर किया। हाँ, बिल्कुल. एडिटर्स का काम होता है राइटर्स को परेशान करना. बिल्कुल, एक्चुअली मैं काफी बार पिक्चर्स देखता हूँ जिसमें एडिटर को रबड़ बताया होता है और राइटर बेचारे पेंसिल। ऑन दैट नोट, नितिन, कुछ फाइनल मैसेज अपने रीडर्स से? अभी तो दो ही है यहाँ पे, पर फिर भी. बस यही कि अभी जो हालात, हमने तो अपने दोनों पैरों को घर में जमाए रखा, क्योंकि आपके चरण अगर घर में रहेंगे तो कोरोना के चरण ही पड़ेंगे। और दूसरा ये कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और ट्रू, पढ़ेगा मंदिर इंडिया तुम्हारे तभी पैरों में बढ़ेगा टिक जाएगा इंडिया भाई। भी, और नितिन भी तभी बढ़ेगा. हाँ, नितिन तभी बढ़ेगा। एक्चुअली ना, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, लेकिन मुझ जैसे जितने भी काफी तो नॉट चैनल या काफी जो नए बनना भी चाहते हैं, उन लोगों को मोटिवेशन ना आप ही लोग देते हो जो कि उसे पढ़ रहे होते हैं। गलतियां करते हैं, मैंने भी की, वो लोग भी करेंगे, सब करेंगे गलतियां। आप लोग बताओगे ही नहीं गलतियां क्या है तो सुधारेंगे क्या, चेंजेस बिल्कुल आएंगे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल सर. और मैं तो बिल्कुल तैयार रहता हूँ, मेरी बुक के लिए ना आप गालियां तक दे सकते हैं मुझे, अगर उसमें कुछ आपको नहीं बिल्कुल पसंद आती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन पढ़िए फिर भले गालियां भी दीजिए। डेफिनेटली नहीं, गालियां नहीं, मैं तो खैर गालियां नहीं देने वाली हूँ, लेकिन बिल्कुल आपको डेफिनेटली. मिलेगी। और द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी के सीक्वल के लिए मैं काफी ईगरली वेट कर रही हूँ. थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है अभी है बुक में, समवेयर अराउंड 3 to 4 months आई बिलीव, जितना हाँ, मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन है. दीपावली के आसपास अब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर सब सही रहा तो दीपावली तक आ भी जाएगी। ये दीपाल दीपावली हम कोरोना भगा के दियो के साथ और नथिंग लाइक द हैप्पी एंडिंग के साथ मनाएंगे। डेफिनेटली पक्का कोशिश यही करेंगे कि द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी के सीक्वल के साथ साथ कोरोना को भगा के ये दिवाली मनाएंगे, और इसके लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स बहुत जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं. तो दैट इज वेरी ट्रू. ऑन और दैट नोट, दूसरी चीज ये कि मैं भी भले मेडिकल का बनता हूँ लेकिन घर में ही बैठा हूँ, तो अगर मैं बैठ सकता हूँ तो आप लोग बैठ सकते हैं, थोड़ा सा बैठ जाए। बिल्कुल उस हिसाब से, खैर मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं भी घर में हूँ इस वक्त. हाँ
और इस वक्त बहुत जरूरी है ये हाँ चेन तोड़ना और घर में रहना, ताकि हाँ हम लोग आपको अगर आगे एमबर अपना पुलिस की फ्यूचर जरूरत सेव है कर तो आप सकें। लिपि को कॉल कर सकते हैं, वो MR है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मैं कोशिश यही कर रही हूँ, मतलब हम ये कोशिश हम कर सकते हैं कि अगर हम किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें वो हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल और करनी चाहिए, जितना हम पॉसिबल बस वहीं कोशिश करें पे। आपके आसपास अगर कोई भूखा दिखता है तो वो भूखा सोए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं और मेरी मॉम हम लोग डॉग्स को फीड किया करते थे यहाँ आसपास, क्योंकि काफी सारे डॉग्स थे ना जो स्ट्रे डॉग्स, जो कि जिन्हें खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि बाहर लोग नहीं निकल रहे थे। तो जिस तरह से भी आप अर्थ के लिए, दूसरे लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, नॉन ह्यूमंस के लिए, किसी के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं वो डेफिनेटली करिए। ये बहुत जरूरी है कि हम इस वक्त जिस तरह से भी दूसरों की हेल्प कर सके हम करें। ये एक बहुत ही इमरजेंसी वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया है, और इस तरह के सिचुएशन में अगर हम साथ में नहीं भी खड़े हो सकते, लेकिन फिर भी हम साथ में खड़े हैं एक दूसरे के लिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अकेले अकेले इस सिचुएशन से आगे कोई नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इस सिचुएशन का अकेले कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑन दैट नोट, थैंक यू नितिन फॉर ज्वाइनिंग अस टूडे हियर। नितिन की बुक अंकिता जी ज्वाइन हुई है, अभी अभी अंकिता जी ज्वाइन हुई है, और वो कवित्री है, बहुत अच्छी कवित्री है। आई एम द लकीस्ट वन जिन्होंने कि उनको लास्ट इवेंट में सुना था। अंकिता जी को हाँ अंकिता त्रिवेदी, हाँ यहाँ से लोकल रिपोर्ट। हाय अंकिता, मैं डेफिनेटली आई वुड लव हम नए नए पोएट्स के साथ ज्वाइन करना, गली राइटर्स में वर्क करना, और इस तरह की चीजें हमें बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली गली राइटर्स पे भी नितिन की काफी पोएम्स अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी काफी अवेलेबल है, और ब्लॉग पे भी अवेलेबल है, तो उसे भी चेकआउट कीजिएगा। एंड थैंक यू नितिन ज्वाइनिंग आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, लाइव सेशन करने के लिए। एंड आई होप कि द मैन हु प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी को बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिले, और साथ ही साथ उसके सीक्वल को भी बहुत प्यार मिले, और इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू टू। नितिन के साथ इस गुफ्तगू के बाद पीपल अरे प्लीज वाह, उर्दू कितनी प्यारी सीखते हैं आप। के बाद पीपल प्लीज जरूर अपने घर में लॉकडाउन का पालन कीजिए, और जिस तरह से हमें लॉकडाउन की प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, जिस तरह से हमारी गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। कई जगह हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन और इवन टेस्टिंग के लिए हम जाते हैं तो वहाँ नहीं होता है प्रोटोकॉल फॉलो, प्लीज फॉलो कीजिए। अगर हम लोग प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट कितना भी कुछ भी कर ले उसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग अगर अपने आप को सेफ नहीं कर सकते, हमारा काम है हमें अपने आप को सेफ रखना है, बाकी सबको सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट है, लेकिन हम अगर अपने आप को सेफ रखेंगे तो आई एम श्योर कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस सिचुएशन में आएगा। ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच, बाय नितिन, और पढ़ते रहिए और द पढ़ते मैन ऑफ रहिए। प्रिटेंस टू बी हैप्पी। डेफिनेटली गिवन दैट कि इस वक्त बहुत सारे एंटरटेनमेंट सिचुएशन जीरो हो गए हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो डेफिनेटली पढ़ना ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको एक नई हॉबी मिल जाए। और हम तो ये भी नहीं कहते आप पेपर बैग के साथ कोरोना भी घर बुलवा लीजिए, हम तो कहते हैं आप ई बुक डाउनलोड कीजिए और ई बुक पढ़िए। नहीं बिल्कुल आप ई बुक पढ़िए, बाकी हमारी तरफ से सारी जो कॉपीज हैं वो सैनिटाइज होके प्रॉपरली पैक होके डिस्पेंस होके, तो आप पेपर बैग भी मंगवा सकते हैं बिना कोरोना के। हाँ मंगवा सकते हैं बिल्कुल, पब्लिशरों का थोड़ा सोचना होता बिल्कुल, है। नहीं डेफिनेटली हमारी तरफ से सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, हर पैकेट में, हर पैकेजिंग को हम सैनिटाइज करके वो करते हैं, तो इसीलिए आप पेपर बैक मंगवा सकते हैं, आप ई बुक पढ़ सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, पर डेफिनेटली एक रीडिंग हैबिट अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप भी कर सकते हैं। विद बिल्कुल, दैट नोट और आपको द मैन हू प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी के 2 चैप्टर पढ़ के और लिपि की आवाज में भी जल्दी मिलने वाले हैं अच्छा सुनने लिपि की को आवाज में, यूट्यूब चैनल पे। तो डॉक्टर विवान लिपि हाँ की आवाज लिपि में की आवाज, बोलने वाले हैं।
है कि आप डॉक्टर विवान के अंदर किसी साल जाती हो तो क्या पता। क्या पता, वैसे भी हर आदमी के अंदर आधी औरत और हर औरत के अंदर आधा आदमी होता है, ऐसा हमारे माइथोलॉजी कहती है। शिव के अंदर सब चीजें था। चलिए, ऑन दैट नोट, थैंक यू नितिन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन जो यहाँ पे है अवेलेबल, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू ऑल।